अस्सलाम वालेकुम किसी तलीमी इदारे में खड़े होकर बात करना वात खुद एक एजाज से कम नहीं एंड आई फील ट्रूली ऑनर टू बी हियर विद यू गायज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज दरअसल मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शुक्रगुजार यानी कि ग्रेटफुल कहने को एक छोटा सा लफ्स है लेकिन अगर सही मायनों में इसके मायने पर गौर किया जाए और उसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए तो हमारी जिंदगी हमें बहुत आसान महसूस हो सकती है अभी मैंने बात की तालीमी इदारे की तालीमी इदारों में हम क्यों आते हैं जाहिर है तालीम हासिल करने वो तालीम सबसे पहले क्या करती है वो तालीम हमें शोर बख्शती है हमें यानी कि हमारे दिमाग को दिमाग क्या चीज है दिमाग की वजह से आज का इंसान वहां खड़ा है जहां पर खड़ा होने के बारे में आज से हजारों साल पहले का इंसान सोच भी नहीं सकता था इस दिमाग की वजह से हम इस जमीन और जमीन से बाहर मुखलिफारों तक पहुंच गए लेकिन अगर यही दिमाग काम नहीं करे तो इंसान नाकामी और नामरादी का मुंह बोलता सबूत अगर दिमाग काम करे तो इंसान मर कर भी अमर और अगर दिमाग काम नहीं करे तो इंसान अपने ही हाथों अपनी जान लेने से भी ग्रेज नहीं करता आपने गौर किया आजकल खुदकुशी का तनासब किस हद तक बढ़ चुका है खास तौर पर नौजवान नस्ल इसका शिकार है अगर थोड़े से फैक्ट्स और फिगर्स की बात की जाए तो पिछले साल के सर्वे के मुताबिक 300 मिलियन लोग जहनी दबाव का शिकार हैं और उनमें फिर से नौजवान लड़के और लड़कियां इसका ज्यादा शिकार है ऐसा क्या होता है कि आपका दिमाग हमारा दिमाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि सब कुछ खत्म हो गया कल तक वो जो दुनिया जो बहुत सही चल रही थी आपके सब अपने आपको प्यार कर रहे थे अचानक से सब कुछ खत्म हो गया सब कुछ बेमायनी होकर रह गया आपके होने ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता ऐसा कैसे हो सकता है आनंद फानन ओवर द नाइट तो कुछ भी नहीं होता अगर तो हमें यह लगता है कि एक ही रात में ऐसा कुछ हुआ तो हमें गलत लगता है हम इंसानों का एक फॉर्मेट है एक तरीकाकार है कि हम दूसरों की चीजों को खुदबीन से देखते हैं और अपनी चीज़ों को खासतौर तो पर अपने मसाइल से आंखें फेर लेते हैं और जब हम आंखें फेरते हैं तो हमें यह लगता है कि चीजें वक्त के साथ खत्म हो जाएंगी लेकिन असल में क्या होता है वो चीजें जमा होना शुरू हो जाती हैं जमा होते होते जब एक दिन हम उन चीजों को देखते हैं तो एक बुलंद कामत देव की सूरत इख्तियार कर चुकी होती है यानी कि एक बड़े से पहाड़ की सूरत और फिर हम इंसान बेचारे डर भी जाते हैं सहम भी जाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए हमें चीजों को नजरअंदाज करना बंद कर देना चाहिए चीजों की आपने सुना होगा एक टर्म है अंग्रेजी की हमें चीजों को अंडर द कारपेट धकेलने से ग्रेज करना चाहिए आपने कभी सोचा हमारे मां बाप जो मैं ऐसे इदारों में भेजते हैं वो कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं सब तो अमीर पैदा नहीं होते कई ऐसे घरानों से भी आते हैं जिनके वालदेन मेहनत मजदूरी करते हैं उन वालदे के ख्वाब उन बच्चों के ख्वाबों से जुड़े होते हैं लेकिन जब वही मां बाप बेचारे उन्हीं इदारों से अपने जवान बच्चों की लाशें उठाकर घरों को वापस लौटते हैं सोचे ऐसे वालदेन पर क्या बीतती होगी वो बाप जो अपने मुंतजर बच्चों और बीवी के पास रात को घर जाने की बजाय रेल की पटरी पर जाकर अपनी जान देने को आसान समझता है उस बाप पर क्या बीतती होगी या माँ माँ तो बच्चों को दुनिया में लाने का बायस बनती है वही माँ जो अपने ही हाथों अपने बच्चों को जहर आलूद खाना खिलाना चाहती है और खिला देती है और एक दफा भी नहीं सोचती उससे पहले उस पर क्या बीतती होगी क्या हमें यह लगता है कि अपनी जिंदगी अपने हाथों से लेने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या हमें लगता है कि दूसरों की जिंदगी के मसाइल नहीं है मैंने यहां पर आने से पहले बहुत सोचा कि मैं किस बारे में बात करूं स्टेज के इस तरफ आके बात करने वाला और उस तरफ बैठने वाले एक ही जैसे लोग हैं कमोपेश वो उन्हीं मसाइल से गुजरते हैं जिनसे बाकी सब भी गुजरते हैं आज हमारे माशरे का भी वही अलमिया है जो बाकी के माशरे जिससे गुजर रहे हैं तरक्की याफ्ता इसी जहनी तनाव का शिकार है सब अभी तो मैंने बात कर ली कि कैसे दिमाग जब हम पर हावी हो जाए तो हम किन मसाइल से गुजरते हैं अभी मेरा ख्याल है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बहुत मदद किया माजी में अभी भी करती हैं हम पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं और वो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें करने से जिंदगी खुद आसान महसूस होगी जब हमें कोई छोटी जिस्मानी बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन जब हम जहनी दबाव का शिकार हों या हम स्ट्रेस का शिकार हों या डिप्रेशन का शिकार हो हम दूसरों से बात करना तो दूर की बात है अपने से भी छुपा लेते हैं भले अगर ये छोटी चीजें जो मैं आपको बताऊंगी अगर इनसे कोई फायदा नहीं हो तो हमें प्रोफेशनल मदद लेने से कतराना नहीं चाहिए अब वो छोटी चीजें क्या है पहली चीज जैसा कि मैंने शुरू में कहा शुक्रगुजार होना शुरू कर दीजिए हम इंसानों में नशुक्रापन बहुत है किसी चीज को भी लेकर खुश नहीं होते ये चीज ऐसे क्यों हुई ऐसे क्यों नहीं हुई जो शख्स आपके पास बैठा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है वह शख्स आप भी तो हो सकते थे वह मैं भी हो सकती थी जो शख्स कैंसर जैसे मोहलिक मर्द से गुजर रहा है वो शख्स हम भी हो सकते थे हम चीजों को फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं हमसे तो कुछ वादा नहीं किया गया था कि हमें यह सब कुछ मिलेगा लेकिन जो कुछ मिल गया हमें साबित करना चाहिए कि हम उसके हकदार हैं कि हम मुस्तक हैं उन चीजों के <clears throat> तो पहली चीज ये ठहरी कि शुक्र करना शुरू कीजिए हमें यह भी शिकायत होती है कि हमारे वालदे हमें नहीं समझते हमारे दोस्त अहबाब हमें नहीं समझते हमारे बहन भाई हमें नहीं समझते उनको भी तो यही शिकायत हो सकती है वक्त निकालिए चीजों को फॉरग्रांटेड लेना बंद कर दें नंबर टू अपने जहन में एक कुलिया बनाइए जो बीत गया सो बीत गया उसको लेके आप कुछ नहीं कर सकते जो आने वाला है वो आएगा उसको लेकर भी हम अभी कुछ नहीं कर सकते लेकिन हम कर क्या सकते हैं जो आज है वो हमारा है वो हमारे हाथों में है या तो उसको भी जी लें या फिर उसको भी दर्दनाक माजी का हिस्सा बना लें हम लोग प्रेजेंट में हो के भी प्रेजेंट नहीं होते आप में से बहुत सारे लोग शायद अभी भी मेरी बातों को सुन रहे हैं लेकिन नहीं सुन रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। ये करना बंद कर दीजिए नंबर थ्री वही बात जो मैंने अभी की फोकस हमने अपने दिमाग को ऐसे ऐसा फॉर्मेट कर दिया है कि कुछ सेकंड से ज्यादा कुछ मिनट से ज्यादा हम किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर सकते रही सही कसर सोशल मीडिया नहीं पूरी कर दी स्क्रॉलिंग, स्क्रॉलिंग। दुनिया में क्या हो रहा है पल पल की खबर लेकिन बस खुद से ही बेखबर वैसे तो सब बहुत मसरूफ होते हैं आजकल लेकिन अगर गलती से एक इंसान हमारे घर में से ऐसा प्लान बना ले कि सब फैमिली इकट्ठे मिलकर बैठेगी या दोस्त एक ग्रुप में बैठेंगे साथ तो हम क्या करते हैं सब साथ तो बैठे होंगे लेकिन अपने स्मार्टफोन्स पर होंगे बाहर देखते रहेंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है हम सब की एक छोटी चुट छोटी दुनिया है जिसमें हम सब मगन हैं। हम सब दूसरे की दुनिया में झांक कर ही नहीं देखते कि उसमें क्या हो रहा है मालूम तो पड़ जाता है कि क्या हो रहा है उस दुनिया में दूसरों की दुनिया में लेकिन कैसे सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में मालूम पड़ता है और तब हम क्या करते हैं अफसोस कि काश मैंने मालूम कर लिया होता पहले हम आज अपने अपनों को मीम्स में टैग करना चाहते हैं आई लव यू डैड आई लव यू मदर आई लव माई सिस्टर आई लव माई ब्रदर हर चीज मगर सोशल मीडिया पर अगर उसी सोशल मीडिया की बजाय हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे को यह कहना शुरू कर दें वही जो हम कहना चाहते हैं तो कितना खूबसूरत हो जाएगा सब कुछ लेकिन यहां मैंने बात की थी माँ बाप की बहन भाइयों की अगर तो आप ऑपोजिट सेक्स को तो यह कहना चाहेंगे तो उसमें मैं ये मेरा असूल वहां पर लागू नहीं होता इसके बाद का पॉइंट हाउ टू शिफ्ट योर फोकस हम लोग जात और एंजाइटी का शिकार होते हैं मैं खुद ऐसे करती हूं अरे किसी को मैंने मैसेज किया और वहां से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आया तो एंजाइटी शुरू काम का रिस्पॉन्स वैसे नहीं आया तो एंजाइटी शुरू लेकिन आखिर इसका मैंने एक हल सोचा जब किसी चीज को लेकर आपको बहुत मसला हो रहा हो और आपको समझ नहीं आए कि क्या करें कुछ चीज कुछ टाइम के लिए उस चीज को पूरी तरह बंद करते हैं आधे घंटे के लिए और कोई ऐसा काम कीजिए जो आपको बहुत पसंद हो कुछ लोगों को खाना खाना पसंद हो सकता है खाना खाइए अगर आप फिल्म देखना चाहते हैं आप सीरीज देखते हैं आपको स्पोर्ट्स पसंद है आपको वॉक पसंद है वॉक पर चले जाइए सबसे खूबसूरत चीज होती है जब आप किसी छोटे बच्चे के साथ वक्त बिताए तब आप अपने छोटे चोट छोटे और बड़े मसाल को कुछ देर के लिए भुला देते हैं लेकिन शर्त यह कि बच्चे दूसरों के हों आपने कोई भी चीज ऐसी करनी है कि जिसमें वाकई में आपका दिल और दिमाग पूरी तरह शामिल हो और यकीन मानिए आई आर श्योर यू जब आप कुछ टाइम के बाद वापस अपनी उसी मसले की जानब देखेंगे तो आप एक नए अंदाज से उस मसले को देखेंगे आपका परसेप्शन पूरी तरह से बदल चुका होगा अगर मसला खत्म नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं आपका नुकता नजर बदल जाएगा करके देखिएगा इसके बाद का पॉइंट हमें लगता है कि बड़े बड़े चेंजेस के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजें करनी होंगी अगर बड़ी चीजों को पाना है तो बड़ी चीजें ही करनी होंगी। यह गलत है चेंज शुरू होता है छोटी सी चीज से छोटे छोटे सेल्स से हमारा पूरा जिसम बनता है छोटी छोटी आदत पे गौर कीजिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 24 फोर आवर्स में आप देखें कि आप किस आदत को चेंज कर सकते हैं उस आदत को चेंज कीजिए लेकिन शर्त क्या है मुस्तकिल मिजाजी आप जो भी चेंज करें आपको मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना होगा अगर मुस्तकिल पत्थर पर पानी पड़े तो सराख तो उसमें भी हो जाता है यहां तो फिर हम इंसानों की बात कर रहे हैं मुस्तकिल मिजाजी हर चीज की शर्त है ऐसा करना शुरू कीजिए इसके बाद का पॉइंट हमारे थॉट्स जहां हम बाकी चीज़ों को नजरअंदाज करते हैं वहां हम ये भी करते हैं कि हम अपने ख्याल को नजरअंदाज करते हैं हम अपने एक्शंस पे ध्यान देते हैं जबकि हम ये यकसा फरामोश कर देते हैं कि हमारे थॉट्स से हमारे एक्शंस बनते हैं हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी बनाते हैं यह तो हमारे रब का भी फरमान है जैसा गुमान करोगे वैसा मैं तुम्हें दूंगा अपने थॉट्स पर क्लोजली निगाह रखिए अगर मस्बत ख्याल आ रहे हैं उनको देखिए अगर आप बहुत नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं उस पर गौर कीजिए आपको अपने छोटे छोटे गोल्स बनाने होंगे अगर आप बड़े गोल्स को पाना चाहते हैं अगेन वायरिंग दिमाग की वायरिंग आप अपने आपको टास्क दीजिए कि मुझे तीन दिन तीन दिन तीन दिन में एक चीज को पूरा करना है मुझे दो दिन में इस चीज को पूरा करना है एक दिन का टास्क दे दें उससे क्या होता है धीरे धीरे आप अपने दिमाग को यह सिखाते हैं कि बड़ी चीजों को कैसे पूरा करना है बड़े गोल्स को कैसे पाना है अब सबसे बड़ा और आखिरी पॉइंट हैव पेशेंस हम सब कुछ करते हैं हम मेहनत करते हैं अच्छी इंटेंशंस भी होती हैं चीज में लेकिन सबर नहीं होता तवक्कुल तो नहीं करते रब पे तवक्कुल तो नहीं करते जिसने आपको पैदा किया है वो आप सबसे बेहतरीन आपको समझता है आपसे भी बेहतर बस हम ही नहीं समझते भरोसा रखिए जो आपका है वो आपको मिलेगा जो आपका नहीं है वो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी कर लें हमारे नबी फीसते उनका ये फरमान है कि बी पेशेंट और ये कैसी हस्ती का फरमान है जिन्होंने अपने वालदेन को बहुत ही अर्ली एज में खोया अपने छह बच्चों को अपने हाथ से दफनाया वो हस्ती हमें यह सिखाती है तो हम कैसे इस चीज को फरामोश कर सकते हैं भरोसा रखिए है। अभी बहुत जिंदगी पड़ी है किसी ने अभी अगर दिल तोड़ दिया कोई फर्क नहीं पड़ता कोई चीज अभी नहीं मिली कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप डिग्री लेकर निकल रहे हैं आपको फॉरन से कोई जॉब नहीं मिल रही कोई बात नहीं अगर आपने मेडिकल पढ़ा है या आपने इंजीनियरिंग पढ़ी है और आपने उसी में अपना करियर परस्यू करना है नहीं ये जरूरी नहीं है आप जब चाहें अपने डायरेक्शन को बदल सकते हैं जिंदगी में जब चाहें जिंदगी बहुत खूबसूरत है इसको महसूस कीजिए बहुत पहले मैंने कहीं एक खूबसूरत बात पढ़ी थी मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो बात कश्ती जब तक पानी में रहती है वो तैरती है और डूबती सिर्फ उस वक्त में है जब वो पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो जाए अभी हम बात कर रहे हैं कश्ती की जब कश्ती के साथ ये हो सकता है तो इंसान जो इतना डेलिकेट है अगर वो बाहर की दुनिया को खुद पे हावी कर लेगा तो उसके साथ क्या होगा चीजों को खुद पर हावी मत कीजिए ये दिमाग है हमारे काबू में रहेगा तो दुनिया हमारे काबू में रहेगी अगर ये हमारे काबू से बाहर होगा तो हम शायद इस दुनिया में भी नहीं रहे थैंक यू फॉलिस्टिंग टू मी